अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के करम से सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सॉफ्ट एंड जूसी बीफ चटखारा बोटी की रेसिपी। इसमें आपको बारबेक्यू का फ्लेवर भी मिलेगा। इसको बनाना इतना आसान है कि बस किचन में जाएं और बना के ले आएं। जितनी आसानी से ये रेसिपी रेडी होती है, खाने में कहीं ज़्यादा लजीज और डिलीशियस होती हैं। बीफ चटखारा बोटी अपने जायके और उम्दा लज्जत की वजह से बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। इसको खाने के लिए हम लोग दूर दराज रेस्टोरेंट्स तक ट्रैवल करके जाते हैं, मगर जो का आज मैं आपको बताऊंगी, आप रेस्टोरेंट से भी ज्यादा लजीज और टेस्टी बीफ टिक्का बोटी घर पर बना पाएंगे। तो वीडियो को फुल वॉच करें, पसंद आए लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए बिना टाइम को जाया किए चलते हैं अपने किचन में और आज की मजेदार सी बीफ चटखारा बोटी की इस रेसिपी को घर पर बनाना सीखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और डिलीशियस सी बीफ चटखारा बोटी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कुकर ले लिया है, उसमें मैं डाल रही हूँ बीफ। यहाँ पर मैंने बोनलेस बीफ लिया है, तकरीबन 700 ग्राम के बराबर है ये। बीफ डालने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी मीडियम साइज की प्याज को बारीक काट के, और साथ ही 1 से 1.5 टेबल स्पून के बराबर मैंने इसमें अदरक लहसुन की पेस्ट डाल दी है। और अब मैं इसमें डालूंगी नमक, 1/2 टीस्पून मैं इसमें नमक डाल रही हूँ, 1/2 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर डाल देंगे। और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1/4 टीस्पून के बराबर हल्दी, 1 टीस्पून भर के मैं इसमें तिक्का मसाला डाल दूंगी, और दही मैं इसमें डालूंगी 100 ग्राम के बराबर। ये घर का जमा हुआ सादा दही है। और साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी 1.5 कप के बराबर पानी, और अच्छा सा प्यारा सा कलर लाने के लिए मैं इसमें 1 से 2 चुटकी के बराबर जर्दा फूड कलर डाल दूंगी। मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर मैं इसको प्रेशर लगाऊंगी तकरीबन 40 से 45 मिनट का। विसल के स्टार्ट होने के बाद का टाइम है ये, ठीक है, ताकि हमारा बीफ जो है वो अच्छी तरह गल जाए। तो कवर लगाएंगे और 45 मिनट के बाद दोबारा चेक करेंगे। यहाँ पर 45 मिनट पूरे हो चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी की मिकदार काफ़ी हद तक कम हो चुकी है, 1/2 कप के बराबर पानी रह गया होगा। तो यहाँ आप लोग बीफ को चेक कर लें, अगर अभी भी इसमें कसर बाकी है तो इसको आप 5 से 7 मिनट का प्रेशर मजीद दे सकते हैं। अगर बीफ गल चुका है तो फिर आप पानी को यहीं पे ड्राई कर लें। तो यहाँ पर हमारा जो बीफ है वो अच्छी तरह गल चुका था, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए जी, बोटी किस कदर सॉफ्ट और टेंडर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम हाई फ्लेम करके पानी को सबसे पहले ड्राई कर लेंगे। पानी ड्राई होने के बाद ग्रेवी सी बन जाएगी, तो वो ग्रेवी हमें हमारी बोटियों के ऊपर चाहिए। ख्याल रहे कि वो ग्रेवी जलनी नहीं चाहिए, तो यहाँ पर सिर्फ बोटियाँ और ग्रेवी ही रह गई है। तो बस यहाँ पर हमारा काम बीफ को पकाने का, गलाने का हो चुका है। तो यहाँ पर किसी खुले से बर्तन में, किसी खुली सी प्लेट में निकाल देंगे ताकि बोटियाँ जो है वो जल्दी से ठंडी हो जाएं और हम आगे इनका प्रोसेस कर सकें। बस आप लोगों ने यहाँ पर बीफ को अच्छी तरह ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद मैंने इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया था और यहाँ पर मैं कुछ और मसाला जात डाल लूँगी। सबसे पहले मैं यहाँ इसमें ऐड कर दूँगी बेसन, तकरीबन 2 से 2.5 टेबल स्पून के बराबर है। 1 टी स्पून भर के मैं इसमें डाल रही हूँ चाट मसाला, चटपटे फ्लेवर के लिए। और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी गर्म मसाला 1/2 टी स्पून के बराबर। और अब आप इसको मिक्स कर लें। अगर आपको ये ड्राई ड्राई लगे तो थोड़ा सा पानी का छट्टा मार लें। वैसे तो पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि बोटियों में ग्रेवी मौजूद है, तो बेसन जो है वो ग्रेवी के साथ मिलके बड़ी अच्छी सी लेयर ले आएगा बोटियों के ऊपर। हल्के हाथों से मिक्स करें क्योंकि हमने बीफ को अच्छी तरह गलाया हुआ है। अगर ज़ोर से आपने प्रेशर लगा के मिक्स किया तो बोटियों के रेशे भी बन सकते हैं, बोटियाँ टूट भी सकती हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि बेसन और ग्रेवी का कितना अच्छा सा लेप आ चुका है हमारी बोटियों के ऊपर। और यहाँ पर मैं चटखारा बोटी को कोयले का स्मोक देने लगी हूँ ताकि जब हम बोटियाँ खाएँ तो फिर हमें बारबेक्यू का फ्लेवर भी साथ आना चाहिए। तो इस मकसद के लिए मैंने एक फॉइल पेपर फोल्ड करके रखा है और कोयला मैंने जलाया हुआ था वो ऊपर रख दिया है, और 2 से 3 ड्रॉप मैंने इसके ऊपर डाले हैं ऑयल के। अब कवर लगा देंगे और 2 से 3 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे ताकि स्मोक की जो खुशबू है वो बोटियों में रच बस जाए। यहाँ पर मैंने कवर हटा दिया है तकरीबन 2 से 2.5 मिनट के बाद, और इतनी ज़बरदस्त सी खुशबू आई है कि क्या ही बात है। तो बस अब यहाँ पर फॉइल पेपर को और कोयले को रिमूव कर देंगे और अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में हम इन तमाम बोटियों को करेंगे फ्राई। इस मकसद के लिए मैंने फ्राई पैन चढ़ाया है चूल्हे पे और उसमें मैंने 3 से 4 टेबलस्पून भर के डाला है ऑयल। ज़्यादा ऑयल में हमने इनको फ्राई नहीं करना, थोड़े से ऑयल में फ्राई हो जाएंगी। तो फ्लेम को भी आपने मीडियम पे सेट रखना है, अगर फ्लेम तेज़ रहा तो बोटियां अंदर से ड्राई हो जाएंगी और ऊपर से ब्लैक हो जाएंगी, तो इसीलिए फ्लेम का आप लोगों ने ख़ास तौर पर ख्याल रख लेना है। तो यहाँ पर आप देखें कि जितनी स्पेस थी मैंने उसमें उतनी ही बोटियाँ ऐड कर दी हैं। बोटियाँ डालने के फ़ौरन बाद से फ्लिप ना करें, 1 से 1.5 मिनट के लिए इनको फर्म होने दें, उसके बाद आप लोगों ने इसको फ्लिप करना है। और यहाँ पर मैं फ्लिप कर रही हूँ, देखिए कितनी अच्छी प्यारी सी लेयर है ऊपर, और कलर देखें माशाल्लाह से प्यारा सा सुनहरा सा आ रहा है। तो इसी तरह ही फ्लिप करते हुए आप लोगों ने 3 से 4 मिनट तक इनको फ्राई कर लेना है। ओवर फ्राई नहीं करना वरना अंदर से जो जूसीपन है वो ख़त्म हो जाएगा, फिर ड्राई ड्राई लगेंगी जो खाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं देंगी। तो बस यहाँ पर ऑलमोस्ट फ्राई हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा सा कलर आ रहा है दोनों तरफ से। और अब इस पॉइंट पर आप लोग मुझे ये बताएं कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लग रही है। अगर अच्छी लग रही है तो फ़ौरन से
लाइक कर दें और साथ के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें। साथ लगी घंटी के निशान को दबाएं, उसको ऑल पे सेट करें। इससे ये होगा कि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और आप लोगों की इस सपोर्ट के लिए मैं आप लोगों की हमेशा दिल से शुक्रगुजार रहती हूँ। तो चलें जी, हमारी बोटियाँ यहाँ पर डन हो चुकी हैं। मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए जी, हर तरफ से हमारी बोटी जो है बेहतरीन फ्राई हो चुकी है। तो चलते हैं, इनको फ्राई पैन से बाहर निकाल लेंगे फ़ौरन से। इस टाइम पे फ्लेम को लो पे ले जाएं, ऐसा ना हो कि बोटियाँ निकालते निकालते ही जल जाएं। तो यहाँ पर एक बैच मेरा बन के रेडी हो चुका है चरखारा बोटी का। तो फ़ौरन से मैं दूसरा बैच भी रेडी कर लूँ, फिर मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी। और यहाँ पर मैंने एक प्लेट रेडी की थी जिसमें मैंने सैलड भी बनाई है। और यहाँ पर आप माशाल्लाह से चटखारा बोटी की लुक देखें, कितनी डिलीशियस और टेम्पटिंग लग रही है ना। तो ये इतनी ईजी और मज़ेदार सी रेसिपी है कि आप इसे अपने घर की किसी भी तकरीब में, छोटी मोटी गेट टुगेदर में एज अ स्टार्टर रेलिश कर सकते हैं। और जब इतनी मज़ेदार और फ्लेवरफुल चटखारा बोटी हम घर पर बना के रेडी करेंगे तो फिर रेस्टोरेंट की तरफ कौन जाएगा। तो यहाँ पर चटखारा बोटी को डिश आउट करने के बाद मैं ऊपर से चाट मसाला स्प्रिंकल कर रही हूँ चटपटे से फ्लेवर के लिए। और साथ ही लेमन भी निचोड़ लेंगे, चटखारा बोटी हो और साथ लेमन ना निचोड़ा जाए तो ये कुछ बात सही नहीं लगती। अच्छी तरह ढेर सारा लेमन निचोड़ना है आपने, उसके बाद आपने इसको इंजॉय करना है। मैं आपको यकीन से कह सकती हूँ कि आप लोग जब खाना स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों को अपना हाथ रोकना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये अंदर से इतनी सॉफ्ट और जूसी है और ऊपर से इतनी चटपटी, करारी और मज़ेदार है। मैं आपको अंदर से इनकी लुक चेक करवाती हूँ। ये देखें जी, माशाल्लाह से हाथ लगने से ही रेशे हो रहे हैं। और सॉफ्टनेस चेक करें, इसका जूसीपन देखें कि कितनी जूसी बन के रेडी हुई है। लग रही है ना टेम्पटिंग, आई एम श्योर आपके मुंह में पानी आ रहा होगा। तो इतनी आसान और मज़ेदार रेसिपी को एक बार बनाना तो बनता है ना, एक बार ज़रूर ट्राई करें। मेरी इस रेसिपी को एज इट इज़ फॉलो करके बनाएं, उसके बाद मुझे फीडबैक देना नहीं भूलें। तो ये थी मेरी आज की आसान और मज़ेदार सी रेसिपी। चलती हूँ, कल फिर मुलाकात होगी किसी और मज़ेदार और बेहतरीन सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल, मुझे रखें दुआओं में याद। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।